प्रमोशन के आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, जनरल ओबीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। देहरादून समेत सभी जिलों में, सभी जिलों के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी 3 मार्च को गैरसैंण जाकर सत्र में घेराव भी करेंगे। 5 मार्च को अनिश्चितकालीन सेवाओं को भी बाधित करने का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की हड़ताल से बजट सत्र को नुकसान हो सकता है, बजट सत्र इसके चलते प्रभावित हो सकता है। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि जनरल और ओबीसी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर गए हैं। तो इसके चलते देहरादून सरकार जो है, उसकी जो उत्तराखंड सरकार है, उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ेंगी। 3 मार्च को गैरसैंण जाकर सत्र के घेराव की तैयारी में भी है ये कर्मचारी। तो उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई, लगातार ये जनरल ओबीसी के लोग प्रमोशन को लेकर बातें कर रहे थे। प्रमोशन में रोक का आदेश निरस्त नहीं होता तब तक ये आंदोलन यथावत चलेगा, और अगर आज भी समय सरकार के पास समय है, सरकार प्रमोशन में लगी रोक को के आदेश को निरस्त कर दे, हम लोग तुरंत उस हड़ताल को कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन बिना किसी लिखित आदेश के, बिना किसी लिखित बात के हम लोग यह आंदोलन स्थगित करने की स्थिति में। तो हमारे सहयोगी पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो पंकज, लगातार जनरल ओबीसी के कर्मचारी हैं वो हड़ताल की बातें कह रहे थे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में सरकार अभी तक झुकी क्यों नहीं है? अगर कहा जाए तो ये बहुत पेचीदा मामला सरकार के लिए है, और अगर जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, अगर राहुल गांधी और जो तमाम केंद्रीय नेता हैं, अगर वो उस मामले को संसद में ना उठाते तो शायद उत्तराखंड में अभी तक प्रमोशन पे, आरक्षण पे जो रोक लगी थी या फिर जो प्रमोशन पे रोक लगी हुई थी वो हट चुकी होती। लेकिन अब वो मामला जो है वो राष्ट्रीय हो चुका है, तो अब राज्य सरकार इसमें कोई भी फैसला लेने से पीछे हट रही है, और इस यही कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। ऐसे में जो तमाम कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से आज सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी उतर गए हैं, और आज लगभग 10 से 11 बजे के बीच में परेड ग्राउंड में जो तमाम कर्मचारी हैं, लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं, सबको कहा गया है कि जो अपने जिलों में हैं वो अपने जिलों में कहीं ना कहीं धरना दें या फिर जो 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 वहाँ पे मैदान हो वहाँ पे जाएं, लेकिन कार्यालय में कोई ना जाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज बड़ी संख्या में जो काम बाधित होने की संभावना है, और इसके अलावा कल गैरसैंण जाने का पूछ का इनका प्लान है, और वहां पर गैरसैंण सत्र को घेराव करने का है, और 5 तारीख से अनिश्चितकालीन जो जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको भी बाधित करने का इनका फैसला है। तो कुल मिलाकर जो अब आर पार की लड़ाई लड़ने की कर्मचारियों की कोशिश है, और जो जो ओबीसी और जनरल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री इन तमाम जो उनकी मांगे हैं उन पर काम धरने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक सरकार इस पर फैसला लेती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हड़ताल शुरू हो गई और फिर उसको रोकना मुश्किल होगा, और कहीं ना कहीं इस बात पर सरकार को ध्यान देना होगा, और काम काफी बाधित होगा सरकार का। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।